जोर भाई, आज बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा टीम का, मतलब वन साइडेड ही कर दिया आप लोगों ने मैच को। तो अभी इस मतलब जब इतना एक अच्छा विन मिलता है, बैटर जिसमें बैटिंग भी चलती है, बॉलिंग भी चलती है, फील्डिंग भी ज़बरदस्त रही, तो कितना कॉन्फिडेंस मिलता है टीम को, यू नो अभी बिजनेस एंड में आ रहे हैं टूर्नामेंट के, तो कितना सही रहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे कि इतनी अच्छी विन मिली हमें, और जैसे हमने जो लीग के लास्ट दो गेम थे वो दोनों लूज़ किए हमने, तो अभी हर बंदे के माइंड में पिछले 4-5 दिन से यही था कि जब भी हमें चांस मिलेगा हमने मैच जीतना है बस। हमारा एक माहौल बहुत अच्छा है कि हर बंदे के माइंड में यही है कि हमने ये टूर्नामेंट विन करना है, तो हर गेम को फाइनल समझ के खेलते हैं। जैसे लास्ट गेम में हमारे बारिश हो गया था, तो पूरी टीम का फोकस यही था कि यार जैसे भी है ना, ये हमने आज का जो मैच है, पिछले 2 दिन से हार्डवर्क कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे कि ये जैसे भी है विन करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अच्छा किया आज, और मेरा भी अच्छा ओवर था, मैंने 2 आउट किए, तो अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम ज़ोर भाई, जब किसी टीम जब आप बॉलिंग करते हैं और आपका इतना बड़ा स्कोर हो 250, एज अ बॉलर आपके प्लान्स चेंज हो जाते हैं जबकि आप 150-160 डिफेंड कर रहे हो, बल्कि आप 240 कर रहे हो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट बॉलिंग में करते हैं आप उस टाइम? जी बिल्कुल, जैसे अभी 240 बोर्ड पे लगा था तो मेंटली हम बहुत रिलैक्स थे, हमें ये था कि सम टाइम बंदे को बड़ा ओवर लग सकता है, अगर 150 में आपको एक ओवर 20 का लग जाए तो मेरे ख्याल में आप मैच में काफ़ी पीछे चले जाते हो, तो इसमें ये था कि हमें ये था कि हो सकता है हमें भी मार पड़े, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा था, हमें जैसे हमारे कैप्टन है उन्होंने पहले बोला था हो सकता है आपको मार पड़े, मगर आपने जो अपना प्लान है उस पर बॉलिंग करनी है तो रिजल्ट मिलेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ। ज़ोर भाई, ट्रैक थोड़ा सा स्लो हो गया था सेकेंड इनिंग में, क्योंकि जब आप लोगों ने बैटिंग किया तब बहुत अच्छे से आ रहा था बैट तक, बस सेकेंड इनिंग्स में थोड़ा सा स्लो हो गया ट्रैक। जी ये हुआ कि थोड़ा ड्यू आ गया था जिससे बॉल स्किट हो रहा था और बॉल थोड़ा सा नीचे रहना शुरू हो गया था, तो उसका हमें फ़ायदा हुआ, हमने लेंथ को हिट किया है तो जिससे हमें रिजल्ट बड़ा अच्छा मिला। नहीं मोस्टली जब ड्यू पड़ता है तो उसमें बैटिंग साइड को ज़्यादा एडवांटेज होता है, मगर ये था कि हमें जब हमारी बैटिंग ने पहले इनिंग में इतना स्कोर कर दिया था कि हमें ऑलरेडी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया था अपने आप पे, और ये था कि ड्यू से ये हुआ कि जब हमें पहली इनिंग जब हमने देखी है तो उन्होंने थोड़ी बॉलिंग वेवेट की है जो जनरल बात है, तो हमें ये पता था कि इस विकेट पर हार्ड लेंथ हिट करो तो इधर शॉट मारना इजी नहीं है, बेशक ड्यू पड़े, क्योंकि जो हमारा प्लान था हमने उस पर बॉलिंग की है तो रिजल्ट अच्छा आया। इसमें एक मैच आप 222 रन स्कोर किए लेकिन उसमें क्लोज हो गई मैच, और अब सामने से ज्यादा रन बनाए लेकिन और अच्छा हो गया, नेचुरली प्रेशर सामने वाली टीम पे बैटिंग का हो गया, बट आपके अंदर के इवैल्यूएशन में बॉलिंग कैसे रही है, कभी बहुत अच्छे विकेट बहुत अच्छे मार्जिन से जीते और कभी कम मार्जिन? जी बिल्कुल, जैसे हम लास्ट गेम हमें 222 रन हो गए थे तो वो मैच भी बड़ा क्लोज हुआ था, जैसे आपने देखा उसमें क्या था कि हम फर्स्ट 6 ओवर में मेरे ख्याल में मैच लूज़ कर गए थे, क्योंकि हमारी 3 विकेट गिर गई थी और 25 रन थे हमारे, मगर इधर यूएई में ये है कि अगर आप विकेट पे खड़े रहते हैं, इधर की हिस्ट्री है इन ग्राउंडों की, जो पहले 3 ओवर होते हैं वो बॉलिंग के लिए बड़े अच्छे साबित होते हैं, उसके बाद विकेट बिल्कुल सीधा हो जाता है, उसके बाद स्कोर ही स्कोर है, तो लास्ट मैच में भी सेम था, तो आज हमने पावर प्ले अच्छा खेला जिससे हमें बड़ा फायदा हुआ।